सभी जब अंधेरे भटक रहे जिंदगी है, सभी जब अंधेरे भटक रहे जिंदगी में, हैरानी में बीत जाए दिन, हैरानी में बीत जाए दिन, पल पल अंधेरे उठ गए सारे सपने, सपने हो सके ना तुम्हें, रुठ गए सारे सपने, सपने हो सके ना अपने, चाहो तो आओ हाथ बढ़ाओ, चाहो तो आओ हाथ बढ़ाओ, आज मिलो नहीं सुबह दहेज समाज का कलंक है। इस कलंक से बाहर निकलने की कोशिश की थी सरला ने। ससुराल में सरला ने ढेर सारे अन्याय और अत्याचार अपमान झेलती रही। सरला निरक्षर होते हुए भी जीने की राह तलाशने के लिए कृत संकल्प थी। उसकी इस प्रबल इच्छा और तड़प ने उसे प्रेरित किया आत्मनिर्भरता की ओर, जिंदा रखने की साधनों की ओर। इसी राह पर उसे एक नया जीवन मिला जिसने उसे आगे बढ़ाया एक नई सुबह की ओर। ओम श्री मुलक्कित नमः, ओम लक्कित तम धन्य रूपासी बरदासी हरि प्रिय जागो तीत प्रपन्नानाम सामेव भयवर्तिनाम वंदे विष्णु प्रियांग देवीं दारिद्र दुख नाशिनीं क्षीरदोषं भवाम देवीं विष्णु भक्त विलासिनां प्रदीपति पुमहान वज्रहस्त महाबाहु तस्मै नित्यं नमो नमः विचित्र रावत स्थाय भावत पुलिसोपानहि पुलमालिंग तंगाय सहस्राखयते नमः ओंकार कुबेराय नमः कुबेरं धनदं खड्गं दिवजं कृतवासरं दासन्नं वदनं देवं जुक्को गोकसवितं ओंकार कुबेराय नमः सर्वदेव वरदत्ति हरि प्रिया मातो मृदुहास जिज्ञासिया विशेष वारता तभी तो नारद कहें जोड़ करी पानी रातुल चरण पूजी बहु भाग्य मानी কিন্তু মাঘ ধরণীর দুঃখে কান্দে প্রাণ অন্য হিনে কেন নাহি কর অন্য দান মাতৃ ভক্তি খিরে নাই নাহি অন্য ঘরে অর্থাসনে এই অনশনে রোগে মরে নরে জগৎ কল্যাণী তুমি বিষ্ণু প্রিয়া মাতা স্বাস্থ্য কয় তুমি দেবী সর্ব দুঃখ ত্রাতা তবে কেন ধরণীর ঘরে ঘরে হেরে অভাব একটু দিয়া যত যত নর নারী ক্ষুদায় জ্বালায় কেহ যাত্র হত্যা করে জায়া পুত্র ত্যাগ করি কেহ। আরে কমলা, ধরণীর দুঃখ সরলা কে উস কমরে মে হ্যাঁ মা মেনে তো বুলায়া থা উসে ইয়াহ ও বলি সব লোক চলে জানে সে ও ইয়াহ পর আয়েগি জাগো তীত প্রপন্নানাম। আরে শ্যামলী দিদি ইতনি দের কর দি
मैंने सोचा शायद आओगी ही नहीं। तेरे घर में लक्ष्मी पूजा और भला मैं ना हूँ, ऐसा कभी हुआ है? श्यामली, पूजा खत्म होने तक रहोगी ना? हाँ रहूंगी। जाते समय माँ के लिए प्रसाद ले जाना। अच्छा मौसी। क्यों रे कमला, सुना तेरी दीदी आई है? कहाँ है, उसे नहीं देखा? फिर ससुराल चली गई क्या? नहीं नहीं, दीदी अंदर है, जाओ ना मिलकर आओ। अब भी सजदा चाहिए है क्या? पर पूजा शुरू हो गई है, तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्या बच्चा होगा? नहीं नहीं, वैसे कोई बात नहीं, जानो तुम अंदर जाओ। सरला, कौन? श्यामनिधि आओ। बता कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है बोल? ठीक ही। कितने दिनों बाद फिर मिले हैं बोल तो, शादी के बाद पहली बार। तू पर आगे से बहुत दुबली हो गई है सरला। अच्छा, तुम बिल्कुल पहली जैसी हो। पर घर में लक्ष्मी पूजा और तू यहाँ पे अकेली? अरे क्या बात है रे, नया जो आ रहा है उसी के बारे में सोच रही थी क्या? क्या कहती हो श्यामली दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या हुआ रे, माँ बहन के साथ झगड़ा हुआ या पति के ऊपर नाराजगी? नहीं नहीं, वैसे कोई बात नहीं। तुम बोलो क्या हाल है, शादी नहीं करोगी? चल हट। क्यों, कमला बोल रही थी तुम्हें देख के गए हैं? हमने और कोई जानकारी नहीं की, वे लोग भी नहीं। शादी जब होने को तभी होगी, नहीं तो ना होगी। स्कूल की नौकरी पक्की हो गई है, खुद का खर्चा तो चला लूंगी। अरे तेरे पति का क्या हाल है, शादी के बाद वो गायब हुआ कि उसका और पता ही नहीं? अरे चुप क्यों बैठी है? तुम्हें एक बात कहूं दीदी, उस घर के बारे में मुझसे तुम कुछ ना पूछो। क्यों, क्या हुआ? उस घर के साथ मेरा संबंध खत्म हो गया है। कैसे हुआ ये सर? क्या कहो दीदी, तुम तो पढ़ी लिखी हो, अनपढ़ होने का दर्द तुम आखिर कैसे समझो? पर वे लोग तो सब जानबूझकर ही तुझे ले गए थे। क्या कोई जानबूझकर अनपढ़ बहू को घर में ले जाता है? तुम नहीं चाहती दीदी मेरी शादी करा के मेरे पिता सब कुछ कमा चुके हैं, सब पैसा है। तुम क्या कह रही है तू, मतलब तुम्हें दहेज देना पड़ा था और तुमने वो मान लिया? और करते भी क्या, कोई बाप मां चाहते हैं बिन बिहाई बेटी अपनी घर में बैठी रहे? इसीलिए पिताजी दहेज देने पर मजबूर हो गए थे। बहू, ओ बहू, मुझे बुलाया माँ? हाँ, आज कितनी तारीख हो गई है? कार्तिक महीना तो खत्म होने को आया, तुम्हारे पिताजी कह गए थे आश्विन के पहले ही दहेज का बाकी पैसा दे जाएंगे, अभी तक तो उन्होंने अपना मुंह भी नहीं दिखाया। ऐसा क्यों बोलती है माँ, बाबा हो सकता है किसी काम में फंस गए होंगे, आपसे जो वादा किया है तो जरूर देंगे। जो वादा निभाते नहीं वो वादा करते क्यों है? इस बार आने पर मैं साफ साफ कह दूंगी, अपनी लड़की को अपने पास ही रखिए। ऐसी बातें ना कहिए माँ, मैं तो ससुराल में आई हूँ रहने के लिए, आप मुझे नहीं रखेंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? नहीं रखेंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? एक तो अनपढ़ लड़की को मेरे चांद के टुकड़े के गले बांध दिया है, उस पर दहेज की बाकी रकम आज दूंगा कल दूंगा करके आज तक देते ही रह गए। आज महिम को आने दो, इस बात का फैसला होकर रहेगा।
तुम्हारा सारा खर्चा तुम्हारे बाप से पाई पाई करके ना वसूल किया तो मैं भी इस परिवार की बहू नहीं हूँ। क्या हुआ या फिर क्या हो रहा है? अरे महिम, तू आ गया बेटा। मैंने तुझसे पहले ही बार बार कहा था दहेज के कुछ रुपए पाने के लिए ऐसी एक बेजात की लड़की से शादी मत कर। अनपढ़ लड़की, सोचा था ताने सुनकर भी चुप रहेगी, लेकिन ये तो कैंची की तरह जुबान लड़ाती है। क्या बात है, माँ के साथ जुबान लड़ाती हो? माँ बिचारी अगर किसी दिन बीमार पड़ गई तो घर बार कौन संभालेगा? तुम? जरूरत पड़े तो घर की बहू के नाते सारा घर मुझे ही संभालना पड़ेगा। और फिर मैंने उनके साथ कोई जुबान नहीं लड़ाई, उन्होंने ही बाबा को बुरा भला कहा, कहा कि बाबा जानबूझकर दहेज का पैसा नहीं दे रहे। इसमें तुम्हें कोई शक है क्या? क्या कहते हो, आखिर तुम भी? लो लो पढ़ के देखो, तुम्हारे पिताजी चिट्ठी में क्या लिखे हैं। हाँ हाँ, पढ़ी लिखी होती तो चिट्ठी पढ़ती, कितनी विद्वान है ना। ओहो, तुम तो मूर्ख हो। अच्छा मैं ही पढ़ के सुनाता हूँ। सद्य समधिन जी, आपसे सादा निवेदन ये है कि अनेक कोशिशों के बाद भी बाकी रुपए अभी तक जुटा नहीं पाया हूँ, पर मैं वादा करता हूँ जितनी जल्दी हो सके बाकी रुपया पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मेरी सरला बेटी कैसी है? बेटी दामाद को आशीर्वाद। इस बार तो महातारी का भी जिक्र नहीं किया, उसका चेहरा देखकर समझी थी कि भला इंसान है, अब पता चला क्या औकात है। बहुत हो चुका, बस करो, कल सुबह तैयार रहना, हमारी नौकरानी तुम्हें घर पहुंचा के आएगी। मधुसूदन बाबू तब समझेंगे मेरी माँ से झूठा वादा करने का अंजाम क्या है। नहीं नहीं, मैं पाँव पड़ती हूँ, ऐसा ना करो, मैं दासी बनकर रहूंगी, पर मुझे और मेरे माता पिता को शर्मिंदा मत करो। मेरी बहन की शादी भी अब तक नहीं हुई, इस हालत में तुम अगर मुझे निकाल दोगे तो मैं क्या करूंगी, किसके पास जाऊंगी? अब पाँव छोड़ो, माँ की बात मैं टाल नहीं सकता। इस कारण तुम अपनी पत्नी को छोड़ दोगे? कसूर तो मेरा भी नहीं है सरला, तुम्हारे पिताजी ने मेरे पाँव पकड़ कर कहा था तुम्हारी जैसी अनपढ़ लड़की को मैं स्वीकार कर लूं तो वो मुझे ढेर सारे रुपए देंगे, बहुत रुपए, तब मुझे ये लालच न दिखाए होते। अभी कारोबार की हालत खराब होने से मुझे बाकी रकम चाहिए, ऐसा ना होने पर तुम्हें छोड़कर मुझे दूसरा कोई उपाय सोचना पड़ेगा। ऐसा अपमान, ऐसी बेइज्जती, मैं तो भूल नहीं पा रही हूं दीदी। अच्छा अच्छा, तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं? नहीं सरला, ऐसी कितनी घटनाएं घटती हैं जिन्हें मन से कैसे भी माना नहीं जा सकता, पर मन में हिम्मत लाओ, देखना सब ठीक हो जाएगा। श्यामली दीदी, ये लो प्रसाद, मौसी को दे देना। हाँ सुनी सब बातें? सुना, पर ऐसी एक घटना मुझे तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं बताई? तुम जरा दीदी को समझाओ ना, बेचारी दिन रात इस कमरे में पड़ी रहती है, कुछ नहीं खाती, दीदी तो अब बीमार होकर ही रहेंगी। अच्छा हुआ तुम आई, तुम्हारे साथ कुछ बातें की। कभी कभी आ जाना श्यामली दीदी, तुम्हारे साथ बातें करके मेरा मन हल्का हो गया है। हाँ मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी, पर तू इस तरह से मन छोटा मत कर, तेरे ऐसा करने से माँ बाप को अच्छा लगता है। बोल, ये छोटी सी बहन, इसे अच्छा लगता है, इसे खराब नहीं लगता है। बोल चल, अब बोल, उठ चल चल। हाँ ओ कमला, देख तो हरिराम ये बिल दे गया है, हिसाब ठीक है कि नहीं? लाओ देखती हूँ, बाबा के आने में इतनी रात क्यों हो गई माँ? न जाने कहाँ चले गए। सरला तू खाना खा ले और सो जा। मैं कमला के साथ खाऊंगी माँ, मुझे खाने में देर हो जाएगी रे, इस पाठ को पूरा करके ही खाऊंगी, तू खाना खा ले। मुझे अभी भूख नहीं है।
कहाँ गए सब? लो बाबा आ गए। ये लो आ गए, पता नहीं क्या खबर लेके लौटे हैं। जानती हो सरला बाबा, वो नौपाड़ा के सामंत बाबू ने मुझे कुछ रुपए देने का वादा किया है, माने इस महीने के आखिर में, और फिर मैं तुझे लेके तेरे ससुराल जाऊंगा। सच में ये पैसे मुझे पहले ही देनी चाहिए थी, मेरी इस गलती की सजा आज तुझे भुगतनी पड़ रही है। बाबा क्यों, अब क्यों? बार बार मैंने तुम्हें कहा था जैसे भी हो बकाया रुपए दामाद को भेज दो, और कुछ नहीं हो तो अपना मकान महाजन को गिरवी रख दो। तब तुमने मेरी कुछ सुनी? तुमने कहा सरला को मेरा दामाद कभी कोई तकलीफ नहीं देगा, महीम बहुत अच्छा है, और अब घर में कुमारी बेटी, उस पर सरला का ससुराल से निकाला जाना, सारी रात सोच सोच के मुझे नींद नहीं आती। आमा बस भी करो, ऐसा हो तो मैं शादी नहीं करूंगी। पर दीदी को क्यों ऐसी बोलती हो? ये तो साक्षात लक्ष्मी है, इसका क्या दोष? तुम अगर बचपन से ही उसे घर में ना बिठा के घर के काम का सिखाने की जगह यदि उसे पढ़ना लिखना सिखाती तो आज मेरी सरला को ये दिन न दिखने पड़ते। उस वक्त तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। बहुत अच्छा, अब सबके जिम्मेदार मैं हूँ। क्यों, घर गृहस्थी का काम सिखाकर मैंने अपराध किया है क्या? लड़की का जन्म मिला है, शादी के बाद तो घर उसे ही संभालना होगा, या कोई दूसरा जाकर काम काज करेगा? क्यों, अब जमाना बदल गया है उमा। हमारे जमाने में 10-12 साल की लड़की की शादी न होती तो बदनामी होती थी, और आज देखती हो ना शामली को, सरला से कितनी ही बड़ी है, कितनी अच्छी तरह पढ़ लिख कर स्कूल में नौकरी करती है। आजकल तो सुनते हैं गांव में साक्षरता केंद्र खुला हुआ है, प्राउड लोग वहां पढ़ने जाते हैं। लिखना पढ़ना कौन सिखाता जानती है? वही शामली। बाबा मैं तुम्हें दूसरों से उधार लेने नहीं दूंगी, तुम्हें उजाड़ के अपने घर बसाओ ये तुम्हें नहीं कर सकती बाबा। एक बेटी के लिए शर्म की बात इससे बढ़कर और क्या हो सकती है? ना ना, ऐसा क्यों कहती है? बेटी की शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना तो माँ बाप का कर्तव्य होता है, इसमें शर्म कैसी? शादी के रुपए नहीं बल्कि दहेज के। नहीं बाबा, मैं तुम्हें उस घर में और रुपए नहीं देने दूंगी। और तुमने क्या कम रुपए दिए हैं? आज ये पैसा लेकर कल वे और पैसों के मांग करेंगे, तब तुम क्या करोगे बाबा? सोच के देख सरला, कुछ दिन बाद ही तेरी बहन की शादी होगी, हम लोग तो जीवन भर नहीं रहेंगे, तब तू क्या करेगी, तू कहाँ रहेगी? इसलिए बाबा जो चाहते हैं वही कर बेटी। मेरे बारे में और मत सोचो माँ, ये कोशिश मुझे करनी ही होगी जिससे कम से कम अपना गुजारा कर सकूं, वो कोशिश तो मुझे करनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। सरला तूने अचानक मुझे क्यों बुलाया? हाँ शामली दीदी, तुम्हारे साथ मुझे एक जरूरी काम था, बैठो। अब कहो। अच्छा, मैंने सुना है यहाँ कहीं पर प्रौढ़ लोग लिखने पढ़ने जाते हैं, तुम पढ़ाती हो? हाँ, साक्षरता केंद्र में, वही तरुण दल क्लब में। ओ, मुझसे ज्यादा उम्र के लोग जाते हैं? हाँ हाँ, तू अचानक ये क्यों पूछ रही है? नहीं, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था,
अरे तो क्या पढ़ने जाएगी? धत, क्या कहती हो, मैं तो पढ़ना ही नहीं जानती। ओ माँ, जो सब वहाँ जाते हैं वो क्या सभी पढ़ना जानते थे? उन्हें पढ़ना लिखना सिखाना ही तो हमारा काम है। अच्छा तुम ही बताओ, इस उम्र में पढ़ना सीख कर मैं तो पंडित नहीं बन जाऊंगी कि लोग बुला बुला कर हमें नौकरी देंगे। बेहतर होगा श्यामली दी कि कम पैसों में आसपास कहीं हाथ का काम सिखा जाए। मेरी बात अगर तू सुनती है तो मैं कहूंगी तू साक्षरता केंद्र में पढ़ने आ। बढ़िया, हाथ का काम सीखने के लिए भी यदि तू थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जानती है तो अच्छा होगा। और एक बात, शिक्षा के प्राथमिक पाठों को यदि तू जल्दी सीख जाए तो हमारे साक्षरता केंद्र से ही कई तरह के हाथ के काम सिखाए जाते हैं और इसके लिए कोई खर्च भी नहीं है। सच? तुम मुझे पढ़ना लिखना सिखाओगी? जरूर सिखाऊंगी। तू कल से ही चलिए हमारे साक्षरता केंद्र में। अनेक नगर, अनेक महानगर, अनेक राजपथ, अनेक राजपथ, अनेक रेलपथ, अनेक रेलपथ, हम मानचित्र में इन्हें देखते हैं। हम मानचित्र में इन्हें देखते हैं। हाँ हाँ, ममे आकी मात्रा माँ, ममे आकी मात्रा रा, ममे आकी मात्रा दे, ममे आकी मात्रा दे, ममे आकी मात्रा रा, ममे आकी मात्रा ने, ममे आकी मात्रा ने, अनेक, अनेक, नपया, नपया, नाना, नपया, नपे बड़ी, नाना नानी। जपे आ, जपे बड़ी, चाची, नाना नानी, चाची। सुबह हो गई है, ले चाय पी के तैयार हो जाते, आज तुझे लोग देखने आ रहे हैं। दीदी मुझे वो डर लग रहा है। रे दीदी क्यों डर, किस बात का? देखना सब ठीक हो जाएगा। मैं कौन सी साड़ी पहनूंगी? आज मैं तुझे अपने हाथों से सजाऊंगी, तू मेरे साथ रहेगी ना दीदी? नहीं रे, मेरा रहना कुछ ठीक नहीं होगा। अगर वो तेरे जीजा के बारे में पूछे तुम्हें क्या जवाब दूंगी? और फिर माँ बाबा भी बहुत शर्मिंदा हो जाएंगे। मुझे कुछ ऐसा एहसास हो रहा है दीदी। क्या रे, माँ बाबू जी और एक गलती तो नहीं कर रहे हैं? ऐसी बातें मत कर बहन, माँ बाबा ने मेरी शादी करा के कोई भूल तो नहीं की थी? और लड़कियों की भी तो शादी होती है, सबका तो ये हाल नहीं होता। जाने दे इसे, ये सब ऊटपटांग सोचकर मन दुखी ना कर बहन। दीदी अगर वो मुझे पसंद ना किए तो? और भी तो लड़के हैं दुनिया में, फिर तू तो पढ़ी लिखी है, लड़कों की कमी है क्या? और तू तो मेरी प्यारी सी बहन है, तुझे ना पसंद कौन करेगा? दीदी तुझसे एक बात कहूँ, नाराज तो नहीं होगी? नाराज होने वाली बात होगी तो होंगी, तू तो अब लिखना पढ़ना सीख गई है, कुछ दिनों बाद कहीं पे कोई काम भी करेगी। जीजा जी को एक चिट्ठी देना, जीजा जी खुश भी तो हो सकते हैं। नहीं रे कमला, मैं खुद वहां कभी वापस नहीं जाऊंगी। अपनी गलती का एहसास करके जब वो मुझे लेने आएंगे उसी दिन मैं जाऊंगी। ये क्या बाबा, तुम अभी तक बैठे हो? जानती हो बेटी, कमला को अगर वो पसंद करें तो फिर शुभ दिन देख के तिलक की तारीख पक्की कर ही डालूं, क्यों? वही ठीक होगा, तुम तारीख देख कर रखो। ये क्या, तुम्हारे लिए कुर्ता निकाल के रखा था, तुमने वो छोड़कर इसे क्यों पहना है?
उसमें तो बटन ही नहीं। मैंने लगा दिया है। अच्छा अच्छा, इसे खोल लेता हूँ। अच्छा हाँ, वो लोग सुबह सुबह आएंगे बोले, अभी तक नहीं आए। तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो बाबा, उन्होंने जो वादा किया है जरूर आएंगे। कमला तैयार है ना? हाँ बाबा। हाँ याद आया, उधर बहुत काम पड़े हैं। बेटी बुलाया है बाबा। क्यों रे, कहीं तुम माँ बाप को गलत तो नहीं समझ रही? ऐसा क्यों कह रहे हो बाबा? खुद को बड़ा अपराधी महसूस करता हूँ, बड़ा असहाय लगता है। ऐसा कह के मुझे शर्मिंदा ना करो बाबा, जो हुआ उसके लिए तो तुम जिम्मेदार नहीं हो, सभी मेरा भाग्य है। दोषी नहीं, इतना सब देखकर सुनकर अपने हाथों से तेरी शादी की, फिर भी तुझे सुखी नहीं बना सका। ये सब बातें अब छोड़ो बाबा, मैं तो तुम्हारे साथ अच्छी भली हूँ। छोटी बहन की शादी होगी, कितनी खुशियां होगी, हलचल होगी, है ना बाबा? क्यों रे, अब कमला शादी के जोड़े में बहुत सुंदर लगेगी ना? हाँ। अच्छा वो शामली आने वाली थी, आई नहीं, क्यों? आएगी, स्कूल से सीधा यहाँ आ जाएगी। तेरा साक्षरता केंद्र आजकल बंद है क्या? वाह, घर में उत्सव और मैं साक्षरता केंद्र में जाऊं? लिखना पढ़ना सीखकर तो कुछ बदल सी गई है, तेरे अंदर एक जोश सा आ गया है। ये लिखाई पढ़ाई अगर मैं तुझे पहले सिखा पाता। उफ, तुम जब कहना शुरू करते हो तो रोकते ही नहीं। चलो चलो जाके तैयार हो जाओ। चल। आपकी लड़की तो हमें बहुत पसंद है। बेशक बेशक। अच्छा आपकी बड़ी बेटी नहीं दिख रही है? बड़ी बेटी यानी सरला की बात कर रहे हैं? हाँ। उसकी तो शादी हो चुकी है, वो अब ससुराल में है। ओ, तो उसे फिर लौटा लिया? हाँ, पति का घर छोड़कर लड़कियों के मायके में रहना सामाजिक तौर पे शोभा नहीं देता। बहुत ही शर्मनाक बात है। तो इसका बकाया रुपया मनोहर दत्त को आपने दे दिया है, सिवाय इसके और करते भी क्या, लड़की का भविष्य तो देखना होगा। आइए अब हम लोग लेन देन की बातें करें। लेन देन? हाँ, बड़ी लड़की की शादी तो दहेज देकर ही की थी। हाँ हाँ, वो हम जानते हैं, मनोहर दत्त ने ये बात छुपाई नहीं। पर हम लोग ये बात किसी से नहीं कहेंगे, ज्यादा नहीं, बस नगद 20,000 रुपए मिल जाए तो ये शादी पक्की। जानते हैं ना आजकल जो जमाना। 20,000 रुपए? इतने रुपए तो मैं नहीं दे सकता। आप लोग चिंता मत कीजिए, इन रुपयों का इंतजाम करके हम जरूर दे देंगे। वाह, तो फिर और देर किस बात की, अगले हफ्ते ही तिलक हो जाए। नहीं, ये शादी मैं नहीं करूंगी। तुम लोग क्या चाहते हो, दीदी के साथ जो हुआ है कल मेरे साथ भी वही हो? कमला ने ठीक ही कहा है, इस तरह लड़की वालों से रुपए मांगते हुए आप लोगों को शर्म नहीं आती? और कितने दिनों तक आप लोग लड़कियों का अपमान करेंगे? आप लोग सोचते क्या है, बिना दहेज की लड़कियों की शादी नहीं होगी? मेरे बापू तकलीफें झेल कर आप लोगों को रुपए देंगे और आप उन रुपयों से मौज करेंगे? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ऐसा बेरोजगार लड़का, ऐसा लालची ससुराल। अब तुम निकल जाइए, निकल जाइए। ये क्या कह रही बेटी, जा जा तू अंदर जा, उसकी बातों का बुरा ना माने। घर में बुलाकर अपमान करने का मतलब? अपमान? अपमान तो आप लोग मेरी बहन का कर रहे हैं, लड़के के बाप होना ऐसा कोई गर्व की बात नहीं है। याद रखिए, आज के समाज में लड़का लड़की सब बराबर है। जाइए, निकल जाइए। चले चले। ये तूने क्या किया, सर्वनाश कर दिया बेटी। तू चिंता ना कर कमला, शादी तेरी होगी। सरला ने जो किया ठीक ही किया, उसने उसकी बहन का सर्वनाश नहीं किया,
बल्कि और एक सर्वनाश आप लोग करने जा रही थी मौसी, और एक दहेज वाली शादी। तुम लोगों ने जो किया सही किया, मैं इस तरह शादी नहीं करना चाहती और इस तरह शादी मैं नहीं करूंगी। सरला के जीवन में जो घटा उसे जानते हुए क्यों फिर उसकी बहन की शादी के बारे में आपने सोचा, ये तो मैं समझ ही नहीं पा रही हूं। समाज का यही नियम है बेटी, लड़की पैदा होने के बाद से ही शादी की चिंता, उसे भी पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा किया जा सकता है, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। अब वो पढ़ लिख गई है, उसे खुद सोचने का हक है, अन्याय के विरुद्ध बोलना सीखा है, और तभी तो बहन के पास आ जाकर खड़ी हुई और एक बड़ी दुर्घटना से हम सभी लोगों को बचा लिया।